नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में MotoG 54 वर्सेस MotoG 84 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G54 में 6.36 इंच जबकि G84 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि G54 से कम है। विड्थ की बात करें तो G54 में 2.91 इंच जबकि G84 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G54 में 0.35 इंच जबकि G84 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो G54 में 192 ग्राम जबकि G84 में 166.8 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G54 में IPS LCD जबकि G84 में POLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G54 में 6.5 इंचेस जबकि G84 में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G54 में 1080x2400 और G84 में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G54 में 85.58% जबकि G84 में 87.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G54 में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि G84 में 402 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G54 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और G84 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G54 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G84 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G54 में IMGVX M8-256 जबकि G84 में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G54 में MediaTek Dimensity 7020 और G84 में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें रैम की तो G54 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की रैम मिलती है जबकि G84 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G54 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि G84 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी G54 में 6000 mAh जबकि G84 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G54 में 6 कलर्स जबकि G84 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G54 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीज
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,540 रुपीस में मिलता है। और बात करें G84 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G54 में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G84 की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में G84 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G54 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T2 Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy F34 5G है, तीसरा Poco X6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A15 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।